इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी है और ये एक अहम फैसला लिया है नेतन्याहू ने। उन्होंने धमकी देने वाले अपने मंत्री अमिया एलियाहू का कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एलियाहू को कैबिनेट बैठक से निलंबित कर दिया है। अमिहाय एलियाहू का ये निलंबन अनिश्चित काल के लिए अभी तक रखा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला किया है, अपनी मंत्री को कैबिनेट से निलंबित कर दिया है। आगे की कुछ अहम बैठकों में अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और जंग से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग अब तेज होती चली जा रही है। लेबनान का राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला भले ही इसराइल पर हमले की हुंकार भर रहा हो, लेकिन लेबनान के आम लोग क्या चाहते हैं ये बताएंगे। ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी ने, जो वहां इस मैदान जंग से बिल्कुल नजदीक में है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इसराइल लेबनान बॉर्डर से, जहां आप देख सकते हैं कि जो ये बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर लगातार धुआं उठ रहा है। लेबनान की सीमा का इलाका है जहां पर एक आप धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। दरअसल ये वो जंगली इलाका है जहां से हिजबुल्ला के लड़ाके लगातार इसराइल पर अटैक करते हैं और अब इसराइल ने इन्हीं इलाकों पर हमला किया। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो धुआं है वो आप देखिए किस तरीके से यहां पर उठ रहा। आपको बता दें कि इन्हीं इलाकों से जो पूरा इलाका है ये जंगली इलाका एक तरह से नजर आ रहा है और आप देखिए किस तरह से यहां पर धुआं उठ रहा है। देखिए कई मकसद हो सकते हैं इन इलाकों को तबाह करने के लिए, कि एक तो इन जंगलों को बिल्कुल साफ कर दिया जाए कि अगर कोई गतिविधि हिजबुल्ला की यहां पर होती है तो वो दिखाई दे सके, और कोई संभावना कि अगर कोई हिजबुल्ला का लड़ाका इन जगहों पर छुपा हुआ हो तो उसको भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। आप तस्वीर देखिए कि आखिर ये क्या है, क्या ये गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है या फिर जिसके आरोप लग रहे थे व्हाइट फास्फोरस, इसराइल पर व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे थे क्योंकि धुआं सफ़ेद निकल रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आप टावर देख रहे हैं दरअसल ये इसराइल की सीमा में है और जो जहां से आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं ये लेबनान की सीमा है। यहां पर जो है वो हमला किया है इसराइल ने। आप देखिए किस तरह से धुआं यहां पर उठ रहा है, एक बड़ा जो हिस्सा है इस जंगली इलाके का वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। संभवतः यही कोशिश है कि अगर हिजबुल्ला के लड़ाके इन इलाकों में छुपे हुए हों तो उनको भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि यही वो इलाके हैं जहां से हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अटैक किया था इसराइल पर, और जो कई टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे चाहे वो टावर हों या फिर कम्युनिकेशन सेंटर हों उनको तबाह किया गया था। लेबनान का अलमा शाब एक छोटा शहर है और अब यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ रहने वाले निवासी नेमर ने बताया कि हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं। उनका कहना तो यह है कि यूएस यूरोप जैसे देशों को सीज फायर के लिए काम करना चाहिए। पूरी तरह से ये जो इलाका है यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा, ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, दुकानें बंद हैं, घरों में ताले लटके हैं, चर्च बंद हैं, कई चर्च यहाँ पर हैं, तो बड़ी संख्या में जो यहाँ की आबादी है वो सुरक्षित ठिकानों पर जाकर रह रही है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकते। लोकल हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ शांति बहाली होनी चाहिए और ये अपील कर रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज से कि वो इसराइल पर ये दबाव बनाएं कि वो सीज फायर करें। लेकिन जो तस्वीर है यहाँ पर जो सरहद के इलाके हैं वो बेहद चिंताजनक नज़र आ रही है, क्योंकि इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो आम लोग हैं जिनको अपने घर बार छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।